Hello everyone, in the series of Indian Penal Code 1862 there we are going to discuss section 89. Section 89 baat karta hai, act done in good faith for benefit of child or insane person by consent of guardian. Ki koi act ho raha hai, wo good faith mein ho raha hai, good faith ka matlab with due care and attention, for the benefit of child matlab jo bachcha hai uske benefit ke liye, or insane person ka matlab hota hai pagal vyakti ke benefit ke liye koi karya ho raha hai jo good faith mein ho raha hai. विद द कंसेंट, किसी कंसेंट है, बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, जो उसके गार्जियंस हैं, या तो बच्चा है उसके गार्जियन या फिर इंसेन पर्सन है उसके गार्जियन, उनकी जब कोई कंसेंट मिलती है और फिर कोई एक्ट होता है तो देखिए इसमें क्या डिफेंस मिलता है, क्या होता है. आगे हम प्रोविजन पढ़ते हैं इसका. नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल से कम के बच्चा, जो यहाँ पे बात करी है कि 12 साल से कम का जो बच्चा है उसके बेनिफिट के लिए, और ऑफ अनसाउंड माइंड, और जो अनसाउंड माइंड का है, जो पागल व्यक्ति है, जिसको नहीं पता क्या सही क्या गलत है, जो डिफरेंस नहीं कर सके गलत क्या है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ क्या है, कि कानून के विरुद्ध क्या है या फिर गलत क्या है, जो ये डिफरेंस ना कर सके, वो अनसाउंड पर्सन, या फिर वो जो बच्चा जो उसकी उम्र 12 साल से कम है. आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कंसेंट जो है वो या तो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है. ऑफ द गार्जियन और एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, जिस व्यक्ति के पास उस पर्सन का लॉफुल चार्ज है, या तो उस बच्चे का या फिर अनसाउंड माइंड का उसके पास लॉफुल चार्ज है, वो व्यक्ति या फिर उनका जो गार्जियन है, दोनों में से भी कोई कंसेंट दे दे अपनी एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड, तो वो ऑफेंस नहीं है, इज एन ऑफेंस. तो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ दैट पर्सन. तो यहाँ पे जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसकी ना तो ये इंटेंशन है, इंटेंडेड बाय द डूअर, कि जो एक्ट कर रहा है उसकी ऐसी इंटेंशन भी नहीं है, उसके मन के विचार ऐसे नहीं है, उसकी नीयत नहीं है ऐसी, और टू बाय द डूअर टू कॉज, और वो जो डूअर है उसके ऐसी भी उसके मन में विचार नहीं है, उसको करना भी नहीं चाह रहा, और नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज, और ये डूअर को पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो ये हो सकती है, लेकिन अगर वो चीज़ गुड फेथ में है और बेनिफिट में है तो वो कुछ एक्ट ऐसा होगा और जिससे हार्म हो जाएगा, तो वहाँ पे वो पर्सन को डिफेंस मिल जाएगा. इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं कुछ. प्रोविज़न का मतलब होता है एक्सेप्शंस. यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो ऊपर प्रोविज़न जो बात करी है वो इसके अगेंस्ट होगी. फर्स्ट बात करता है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और अटेम्प्ट टू कॉजिंग डेथ. कोई व्यक्ति, किसी की नीयत है किसी को मारने की, कोई बच्चे या फिर कोई इंसान पर्सन, बच्चा जिसकी 12 साल से कम की उम्र है, तो वहाँ पे ये नहीं लगेगा, या फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है, वो ऐसे जरूरत कर रहा है उसको मारने की, तो वहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा. दूसरे में बात करी है कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज लाइकली टू कॉज डेथ. जिसको ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे डेथ कॉज हो जाएगी, फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज से, अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. लेकिन वो अगर प्रिवेंट कर रहा है डेथ या ग्रीवियस हर्ट को, या फिर और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी. अगर कोई व्यक्ति को कोई ऐसा डिजीज है, उसको क्योर करने के लिए अगर वो कोई काम कर रहा है, तो उसको ये पता है कि डेथ हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन कोई और ही पर्पज है अदर देन दीज फोर पर्पजेज, कि डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, कि क्योर करना है कोई ग्रीवियस डिजीज, या फिर कोई इन्फर्मिटी है. फॉर एग्जांपल कोई बच्चे का नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, दिमागी कोई हालत ख़राब है किसी व्यक्ति बच्चे की, और उसका ऑपरेशन ही होगा, और डॉक्टर को पता है कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे ऑपरेशन करने से इस बच्चे की डेथ भी हो सकती है, तो ये उसको क्लियर है. तो यहाँ पे उस पर जो डॉक्टर है उसको डिफेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अलग ही कि जो पर्पज़ है उसका डेथ होना, ग्रीवियस हर्ट होना, या फिर डिजीज को क्योर करना, या फिर इन्फर्मिटी होना, उसको क्योर करना तो अलाउ है, लेकिन उसको ये पता है कि डेथ होगी कोई और कारण से, तो वो अलाउ नहीं है. थर्ड बात करता है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू the voluntary causing of grievous hurt or attempting to cause grievous hurt unless it is to for the purpose of preventing death, grievous hurt or curing. वही बात है कि ऊपर वाले में बात करिए कि death cause नहीं करनी, इसमें बात करिए कि grievous hurt cause नहीं करना है.
ग्रीवियस हर्ट कौन से कॉज नहीं करना है कि आपने कोई ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में आपको पता है कि उसकी डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, उसके डिजीज को क्योर करना है या फिर इन्फर्मिटी को क्योर करना है, तो इन सब कारणों के लिए तो आप कोई भी काम कर सकते हो। उससे अगर ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा तो भी डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन कोई अदर ही पर्पज है आपका और फिर आप ऐसा काम कर रहे हो तो यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा। फोर्थ बात करता है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। कोई आपको अबेट कर दे, कह रहे कर दे कर दे कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे कर दे, कोई अबेट कर रहा है, कर दे तू तो कर दे, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कर दे, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। जो अबेटमेंट का मतलब यही होता है कि आपको वो अबेट करने का मतलब ये है कि वो असिस्ट कर रहे हैं आपको कोई काम करवाने के लिए कि भाई कर दो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कर दो, ऐसा करके बता रहे हैं वो। लेकिन और फिर आप वो कर देते हो तो टू कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, तो वहां पे भी एक्सटेंड नहीं करेगा। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसका। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट। यहाँ पे जो चाइल्ड है 12 साल से कम की उम्र का है तो उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है अगर उसके गार्जियन जो है वो दे रहे हैं कंसेंट। हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय सर्जर। अब स्टोन है, स्टोन को काटना है, वो एक सर्जर काटेगा। नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ। अब उसको ये भी पता है जो गार्जियन है उसका कि भैया ऑपरेशन करवा रहे हैं तो हो सकता है इसकी डेथ भी हो जाए, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ। और ये इंटेंशन नहीं है कि उस चाइल्ड की डेथ होए। जो पर्सन, जो डॉक्टर है यहाँ पे, जो सर्जन है ए, उसको ये पता है, उसको इसकी ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, उसकी ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए कि वो उस बच्चे की डेथ कॉज करे, उसकी नीयत नहीं होनी चाहिए। ए इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वॉज द क्योर ऑफ चाइल्ड। जब वो जो ए डॉक्टर यहाँ पे सर्जन है वो इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा जब तक कि वो इस सेक्शन के ऑब्जेक्ट में बात कर रहा है और जब तक उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उस बच्चे को सिर्फ ठीक करना है, क्योर करना है उस बच्चे को। सपोज एक एग्जाम्पल लेकर और चलते हैं। सपोज मान लीजिए अगर किसी को आँख का ऑपरेशन करवाना जाना है तो आँख के ऑपरेशन में आपको पता है कि अगर आप आँख का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रीवियस हर्ट हो सकता है किसी को होगा तो। लेकिन अगर आँख के ऑपरेशन से किसी की डेथ कॉज हो जाती है और ये प्रूव हो जाता है कि वो गुड फेथ में था ही नहीं, तो यहाँ पे उस जो डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे लायबल होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।